बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान मुनीर। माई डियर माई डियर माई डियर माई डियर सेवन क्लास, दिस इज़ वॉट क्लास नंबर सेवन। हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हेयर वी हैव अ सुप्रीमियन ऑन योर स्क्रीन, यू आर ऑल सुप्रीमियंस। सो वन ऑफ द सुप्रीमियंस, वन ऑफ द सुप्रीमियंस, एंड हेयर we have a english time, supreme english time, english। so my dear students, hum kar rahe the perfect series jisme maine present perfect complete kara diya tha, to we are moving to past perfect today, past perfect। here I have a past perfect tense today, or this is chapter number 6 and page number 20, left side of your page date, write down the day today, and the right side day, you have to write the day over here, okay? Past perfect, dekhen ye likha hua hai, sabse pehle iski definition pe aa jaye, this tense shows that an action had been completed in the distant past, aisa kaam jo maazi baid mein kiya gaya ho, that is what, that will be in past perfect, wo past perfect mein chala jayega। वही तीन चीज़ें जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ, उर्दू रिकग्निशन नंबर वन, और नंबर टू बेटा होगा आपकी फॉर्म, और नंबर थ्री बेटा हम करेंगे आपका हेल्पिंग वर्क। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ठीक है, आपको समझ आएगी, बट जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। हैड इज़ यूज विद ऑल द प्रोनाउंस सिंगुलर एंड प्लुराउंस, सिंगुलर सिंगुलर एंड प्लूरल्स। सबसे पहले तो बेटा आपने इसको पहचानना है कि ये टेंस इसकी उर्दू में पहचान क्या है। सबसे पहले उर्दू रिकग्निशन वही जिस तरह आपने प्रेजेंट में किया था, चुका है चुकी है, इसमें हो जाएगा चुका था चुकी थी चुके थे, लिया था ली थी और लिए थे, ये तो हो जाएगी आपकी उर्दू रिकग्निशन, आप पहचान लेंगे कि ये टेंस ये है। इसकी दूसरी चीज़ बेटा होनी चाहिए आपकी फॉर्म, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं आप, ओके? ये लिखें, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज इन दिस टेंस। आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, आपका पास्ट परफेक्ट है, आपका फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में और तीनों फॉर्मेट्स में, सिंपल में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, तीनों में आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। दो बातें क्लियर हो गई, नंबर वन क्या है आपकी उर्दू रिकग्निशन, नंबर टू हेडिंग है फॉर्म, फॉर्म थर्ड फॉर्म, एंड नंबर थ्री आपका हेल्पिंग वर्ब। ये बेटा लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब हैड इज यूज्ड इन दिस टेंस। सो तीन हेडिंग्स होंगी, डेफिनेशन यानी उर्दू रिकग्निशन, नंबर टू फॉर्म, एंड नंबर थ्री हेल्पिंग वर्ब। दिस इज ऑल व्हाट पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था चुकी थी चुके थे, लिया था ली थी लिए थे। वी यूज थर्ड फॉर्म इन दिस टेंस इन ऑल फॉर्मेट्स, सिंपल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, एंड वी यूज हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस, ओके? अगर आपका सब्जेक्ट ये देख लो, हैड इज यूज्ड विद ऑल प्रोनाउंस वेदर दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल, आई वी यू फर्स्ट पर्सन, आई वी सेकंड यू थर्ड पर्सन, ही शी इट दे, वी यूज हैड विद ऑल दीज। हेयर वी हैव एन एग्जांपल, लेकिन सबसे पहले ये रूल ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ है, आज हम इसके पॉजिटिव करने जा रहे हैं, तो कल मैं आपको इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कराऊंगा अगली वीडियो में। सबसे पहले बेटा आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये है जिसका फार्मूला, फार्मूलेशन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। लेट मी रिपीट अगेन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? और ये इसके एग्जांपल में आ जाए, आई हैड वन द मैच, देखें पहले आई सब्जेक्ट, फिर हैड लगा हुआ, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ओके? दीज आर ऑल द एग्जांपल्स, ये आपने एग्जांपल्स खुद से देख लेनी है। सो लेट्स मूव टू इट्स सेंटेंसेस राइट नाउ, इसके सेंटेंसेस करते हैं बेटा। और सेंटेंसेस में आप सबसे पहले देख लीजिए, ये देख लीजिए, उसी तरह आप अगले पेज पे आ जाइए, 21 पे डेट डालिए और डे लिखिए, और ये लिखा हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो पहला जो आपका सेंटेंस है वो ये है कि तुम तब तक गुसल कर चुके थे, आ गया ना, ये आ गया आपका पास्ट परफेक्ट।
तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द विकेबलरी, उसी तरह सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, टेक का बात होता है बच्चों, तो टेक टुक टेकन लगाएंगे आप, ओके, और सब्जेक्ट आपका यू होगा। वो गाय का दूध धो चुकी थी, ओके, ये आपने इसको मिल्कड लगाना है, मिल्कड मिल्कड, और आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, शी शी, और फिर आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर शी है और हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, और दूध धोना होता है जी मिल्कड। उसने पहले ही मकान को ताला लगा दिया था, लॉक्ड आएगा जी, लॉक्ड थर्ड फॉर्म, और आपका सब्जेक्ट होगा ही, और यहाँ पर एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है पहले ही, तो ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी लॉक्ड द डोर। फिर है बेटा, सूरज गुरूब हो चुका था, बहुत आसान, द सन, फिर आप हैड लगा दें, और सेट सेट सेट, भेड़िया कई भेड़ों को मार चुका था, करिए जरा, भेड़िया की अंग्रेजी होती द वुल्फ, द वुल्फ हैड किल्ड, थर्ड फॉर्म लागी ना, सब्जेक्ट देन हैड देन थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, हैड किल्ड मैनी शीप, ओके। दूसरे पार्ट पे आ जाइए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, देखे लिखो, आई हैड विन द रेस, ये देखें फॉर्म गलत की हुई है यहां पर, आई हैड वन द रेस, दे डन हैड टू स्टेशन, ये सारा जुमला ही गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक करिए, ये डन नहीं, यहां पर गॉन आना चाहिए, गॉन, अब दे के बाद हैड को ले आए, फिर डन के बजाय गॉन, दे हैड गॉन टू स्टेशन, ओके, डन नहीं होगा। नंबर थ्री पे, शी हैड मिल्क द काउ, अब मिल्क यहां पर एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ हुआ है, मिल्क एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ हुआ है, तो शी हैड, उसके बाद बेटा आ जाएगा मिल्कड, मिल्कड द काउ, जुमला करेक्ट हो गया। नंबर फोर है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी स्टीम इन, स्टीम इन, हेयर वी हैव अ वर्ब, तो इसको आप करेक्ट करें, स्टीम्ड इन। नंबर फाइव बेटा, नंबर फाइव में द वुल्फ किल्ड हैड मैनी शीप, देखें ये अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है, द वुल्फ हैड किल्ड मैनी शीप, ये आपका पांच नंबर का जुमला भी है ना, ऊपर भेड़िया कई भेड़ों को मार चुका था, नीचे जी ट्रांसलेशन भी आपको मिल गई, द वुल्फ हैड किल्ड मैनी शीप, ओके। और इसी तरह फिर आप मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पे, एंड योर पेज इज 22, यहाँ पर बेटा आपके नेगेटिव शुरू हो जाएंगे, और नेगेटिव जो है वो इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैं दोनों इकट्ठे करा दूँगा, ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको ये सारे जुमले जो हैं ये समझ भी आए होंगे, आप लिख भी लेंगे, और ये जो पार्ट नंबर टू है जिसमें हमने करेक्शन की है, ये आप करेक्शन भी कर लेंगे, मैंने करवा दी है, ऊपर मैंने ये आपका सारा पोर्शन भी हल करवा दिया है, और ये है जी आपका पोर्शन, एक दो तीन चार और पाँच जुमले हमने कर लिए हैं, तो बेटा इनको लिख लीजिए अच्छे तरीके से पेज 21, और याद भी कर लीजिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेगेटिव एंड द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें वैसे डबल सेंटेंसेस भी बनते हैं, अगर इसमें नहीं है तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझा दूँ, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।